कोरोना महामारी के चलते सभी को बाहर निकलते समय मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन छतरपुर में कुछ लोग अभी भी बिना मास्क बाहर घूम रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर ने बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की और जुर्माना वसूला। छतरपुर में कोरोना के दो मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने साफ तौर पर सभी को मास्क लगाने की हिदायत दी है, लेकिन बाजार खुलते ही लोग लापरवाही बरतने लगे, जिसको देखते हुए स्वयं कलेक्टर ने बाजार में बिना मास्क के घूम रहे 90 लोगों और दुकानदारों पर कार्रवाई की और उन पर जुर्माना लगाया। कलेक्टर ने दुकानदारों को हिदायत दी है कि यदि दोबारा ऐसी लापरवाही करते हुए पाए गए तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। मैं क्योंकि ये जो बाजार एरिया खुला हुआ है, खोलने का निर्णय जो यहाँ की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसने लिया था, उसको देखने के लिए मैं आया था और मुझे खबर मिली थी कि जो दुकानदार हैं या कस्टमर्स हैं वो मास्क लगा करके अभी नहीं आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज ये कार्रवाई की गई है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे उन पर जुर्माना कराया गया है। आगे भी अगर ये लोग ध्यान नहीं देंगे इन सब चीज़ों पर तो और सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मेरा आपके माध्यम से सभी छतरपुर वासियों से अनुरोध है कि अभी कोरोना हमारे यहाँ से समाप्त नहीं हुआ है, तो आपको सावधानियाँ बरतने की बहुत ज़रूरत है। जब से आदेश हुए हैं माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर, जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के घर से निकलेगा, एक तो अनावश्यक घर से ना निकले, और अगर बगैर मास्क लगाए हुए अपने घर से निकलेगा, चाहे दुकानदार हो, चाहे राहगीर हो, चाहे कोई हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसका चालान किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।